अब माहिर एक हादसे में मरेगा और वो हादसा इसी घर में होगा, इस घर की छत पे। वहीं से गिर के मरेगा। तो फिर शुभ काम में देरी क्यों? जो करना है जल्दी करो। तो तुम बाज नहीं आओगे ना? अगर मुझे बेला को ठिकाने नहीं लगाना होता ना तो What? तुम क्या बोल रही थी अभी? रेहान बाबू। नहीं, मैंने अभी बेला का नाम सुना। अब उफ़ो रेहान बाबू, अभी तो आप उस बेला का ख्याल छोड़ दीजिए। सॉरी, मैं बाहर जा रही हूँ। क्यों? अरे क्योंकि आप चेंज कर रहे हैं। पहन लिया। और आप तभी कपड़े क्यों चेंज करते हैं जब मुझे कमरे में आना होता है? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कमरे में आने वाली हो? एक मिनट, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा वैराम में से। तुम हमेशा तभी क्यों ऑकवर्ड होती हो जब मैं तुम्हारे सामने होता? तुम तब क्यों नहीं ऑकवर्ड होती जब रेहान तुम्हारे सामने होता? क्या तुम अपना लास्ट मिनट हस्बैंड बना के पछता रही हो मुझे? किसी ने तुम्हें जबरदस्ती तब बोल के मुझसे शादी करवाई थी, तुम्हारा दिमाग बदला था, या अब तुम्हारी जिंदगी में कोई वापस आ गया तो तुम अपना दिमाग बदल दियो? क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे? मैं कुछ समझा नहीं। पर मैं सब समझ रही हूँ। बेला आपसे जो कह रही है आप सारी चीजें कर रहे हैं। उसने आपसे कहा मुझसे दूर हो जाओ, आप उससे दूर हो गए, और वो रेस्टोरेंट पे आप उसके साथ जाके बैठ गए। आपको क्या लगा कि आप मुझसे कुछ नहीं कहोगे तो मैं कुछ जान नहीं पाऊंगी क्या? मुझे सब पता है, अभी भी आप उसी के साथ थे ना, तभी आने में इतनी देर हो गई। ओ, इससे तो शक हो गया है। अरे बेबी, तुम भी ना मतलब बेकार में कुछ भी सोचती हो। आई जस्ट लव यू, ऐसी कोई बात नहीं है। पर पता है मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, ये बेला वेला भी नहीं। अच्छा गुस्सा मत, आई लव यू डार्लिंग। देखो मैं आपसे बात नहीं कर रही। बोलो, कम टेल मी, मुझे समझ में नहीं आया। क्या हुआ रेहान बाबू, आप मेरे करीब क्यों नहीं आ रहे? अरे ऑफ कोर्स, तुम्हारे क्लोज ही तो हूँ मैं। करीब हो लेकिन थोड़े अजीब हो, आप रेहान बाबू नहीं है। वैसे रेहान बाबू नहीं रहे आप। अरे रेहान बाबू नहीं हूँ मतलब? अब बदल गए। बदल गया हूँ मतलब? मतलब शायद आपके दिल में कोई और आ गया, वो बेला। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस के साथ तुम बोल रही हो कि रेहान ने चलाया होगा। तुम्हें कैसे पता कि रेहान ने चलाया? अरे क्योंकि आई आवाज और होगा ये रेहान का फेवरेट गाना। मुझे क्या, मैं अंदाजा लगा रही हूँ सिर्फ। वैसे भी इट्स लेट, मैं चेंज कर। अरे माही जी, एक क्या कर? इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से तुम बात नहीं बदल सकती बेला। मुझे सच जानना है अभी, वरना तुम्हें सिर्फ गलत फहमी पालनी और कुछ नहीं। अरे मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है यार, ये बेला वेला कोई नहीं। आई स्वेर, जामिया सच बोल रहा हूँ मैं। आज ये बातों और कसमों से नहीं मानूंगी मैं, सबूत देना होगा मुझे अपना के, पूरी तरह अपना के। नागिन मैं हूँ पर लिपटने की बीमारी इसको है, बहुत हो गया। मैं बेला से शर्त हारने को तैयार मगर इसकी शर्त मानने को नहीं। बीबी जो तुम चाहती हो मैं भी चाहता हूँ, और फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली हमको अपनी शादी तक रुकना होगा बस। एंड आई रियली लव यू, और ये बात सच है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना? हाँ मैं अभी आया। ये हो क्या रहा है? माहिर जी मेरा हाथ छोड़िए, क्या कर रहे हैं? सी, I'm sorry, I didn't mean to hurt you, लेकिन तुम मुझे अभी सच बताओगे? कौन सा सच जानना है आपको? बेला क्यों की है शादी? मुझे आपसे बात नहीं करनी। कौन सा गिल छुपाना चाहती थी? क्या बेला रेहान तुम्हारी जिंदगी में पहले से था या अभी आया है? What? बेला देखो मुझसे झूठ मत बोलना, मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा। बस कीजिए माहिर जी, और वैसे भी अगर ऐसा कुछ है भी, तो आपको क्या इशू? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी शादी का सच आप ही जानते हैं। फिर अगर मुझे कोई और पसंद भी कर रहा है तो इससे आपको क्या तकलीफ? लीव है मुझे, क्योंकि मैं तुमसे
आई एम सॉरी। देखो मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो तुम जिसके साथ भी खुश हो तुम उसके साथ खुश रहो। तुम मुझे बस सच बोलो, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी हो तुम मुझे बता दो। माहिर जी अभी नहीं, कल सुबह बताना। टेक योर टाइम, पूरी रात ले लो आराम से, लेकिन मैं सच जानना चाहता हूँ। बिला आई एम टेलिंग यू आई एम सॉरी वंस अगेन। जनरली मैं अपना आपा खोता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं आज मुझे क्या हो गया। लेकिन बिला याद रखना मुझे सच चाहिए। ये बात कहां से कहां पहुंच गई। अब मुझे अपने असली रूप में आके उस जामनी के कमरे में जाना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर वो यहां आई किस इरादे से है। अरे नॉक क्यों कर रहा है, सीधा चलना। व्हाटएवर इट इज लेट इट बी। ओए क्या भाई, खिड़की से कूदेगा, शादी से भागेगा तू? अरे नहीं यार, मैं ऐसा क्यों करूंगा। कोई बात नहीं, आजकल तो लोगों की नीयत बदल जाती है, ये तो इरादों की बात कर रहा है। कोई बात, चल भाई नीचे चल, सब वेट कर रहे हैं, जामनी भी आ गई है। चल गाइस 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 गाइस, तुम लोग चलो बस, मेरे को मैं थोड़ी देर में रेडी होके आता हूं। अरे लेकिन क्यों और कितना रेडी होगा, जितना मर्जी मेकअप कर ले ऐसे ही लगेगा। चल चल भाई। गाइस बिलीव मी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स यार, जस्ट 2 मिनट्स, मेरे को बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं अभी आता हूं, तुम लोग चलो ना। अरे क्यों 2 मिनट्स, क्या हो गया सच? अरे तो ओके, अगर उसको टाइम चाहिए तो दे दो ना, वो तैयार हो जाएगा। अरे नहीं भैया प्लीज, इसका और यूवी का सेम टाइप है। आई मीन आई एम सॉरी, आई डोंट माइंड, बट ये इसको टाइम दे रहा तो ये तो, और इसकी मम्मा हमें नहीं छोड़ेंगी। अब क्या करूं, ये लोग तो मुझे जाने का मौका ही नहीं दे रहे। पता नहीं बेला को भी वहां कुछ पता लगाने का मौका मिला होगा या नहीं। शादी है तेरी यार। वे कहां देख रहे इधर, अबे दिन डल गए तेरे इधर उधर देखने वाले। शादी है तेरी, एक्साइटेड हो जा थोड़ा सा। वे शादी करने जा रहा है, एक्साइटेड नहीं है शादी के लिए? हल्दी दूसरी लानी पड़ेगी। मुझे विश को किसी भी तरह जामिनी का सच बताना होगा। क्या हुआ जामिनी? कुछ नहीं आंटी, वो आज मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन है तो माँ बापू की याद आ गई। अरे ऐसे नहीं सोचते बेटा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो, हम हैं तुम्हारे परिवार वाले। जानती हूँ आंटी, तभी तो भगवान को इतना मानती हूँ, जितना शुक्रिया करूँ उनका उतना कम है। आंटी एक बार मंदिर में माथा ठीक कराऊं? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, जरूर जा, बस पहले आंसू पोंछ लो, मैं यही इंतजार करती हूँ। ठीक है ऐसी भी अजीता बोलिए। मेरे पास एक खबर है, वो सैकल परिवार की बहू है ना बेला। बेला जी जानते हैं उनको, आपकी तारीफ। अब अपनी तारीफ अपने मुंह से क्या करूं? ये सब छोड़िए, आप रावी का पता कीजिए, युवराज की एक्स गर्लफ्रेंड का, उसका कोई ना कोई कनेक्शन है बेला से। ओ हेलो, आप जो कोई भी हैं, हम यहाँ कोई चटपटी खबरों का अखबार या फिर जोड़ी मिलाओ अभियान नहीं चला रहे। पटन थाना है ये, और यहाँ के ACP हैं, समझी? तभी तो कह रही हूँ रावी सलूचा का पता कीजिए, जरूरी है। किसका फोन है जामिनी? कोई नहीं आंटी जी, फोन ना बज रहा था तो मैंने उठा लिया, बट रॉन्ग नंबर था। इन सब चीजों में मत पड़ो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। जी
फोन तो सहगल है उसे ही किया गया है, पर करने वाला है कौन? या क्या पता वो हमारे पास ही हो, जहां से वो हमें नजर आ रहे हैं पर हमें वो नजर नहीं आ रहे। मतलब? मेरा मतलब है कि आदि जी और रेहान जी की बहुत गहरी दोस्ती है ना, तो आदि जी को शायद मैं पसंद ना हो तो वो इसीलिए ना आए हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम आदि को जानती नहीं हो, एकदम पापिक है, सारी लड़कियां उसे पसंद करती है। पंडित जी। अरे बेला कहाँ जा रही हो? आओ पहले यहाँ जामिनी को हल्दी लगा दो। आओ आजा आजा। क्या हुआ बेला जी, आप बहुत उदास और हैरान परेशान लग रही हैं। कुछ खो गया है क्या? अरे खो गया क्या? खो गया कहाँ? खोया कहीं? खो गया तो ये देखो ना, इधर हल्दी के पास होगा, इधर हटा के देखो इसके सामान को, इधर ही खोया होगा। खोया क्या? लेकिन मेरा कभी कुछ नहीं खोता, सामने वाले को धोखा जरूर होता है। अपनी जीत का और मेरी हार का देखते हैं। बेला कहाँ थी अब तक तुम? मैं बस जामिनी के बाद इधर ही आ रही थी। Go on, go on. He missed you. बहुत जरूरी बात करनी है, कुछ भी करके ऊपर आओ रूम में। ऐसे कैसे निकलूंगा सब लोग गए? मैंने कहा ना कोई भी बहाना लगाओ और ऊपर आओ। पर यहां से कैसे? सॉरी I'm sorry, आंख में चला गया। मैं ऊपर दवाई रखी है, मैं आंख धुलवा के दवाई डलवा दूं? हां आई डाल देती हूं आंख में, आइए।